नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमीन कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि भूमि कब्जाने वाले भूमाफिया चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही अफसरों से कहा कि भूमि विवाद के मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी ने यह निर्देश बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गरीब की या सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए। यदि कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित सभागार में फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक करके सबकी समस्या सुनी। कुछ महिलाओं ने भूमि से जुड़े विवादों में फरियाद सुनाई। कुछ की शिकायत थी कि दबंग उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं। इस तरह की शिकायतों पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कहीं कोई गरीब सरकारी भूमि पर रह रहा है तो उसके समुचित पुनर्वास के बाद कब्जा खाली कराया जाए। मुख्यमंत्री ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनी और सभी को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने पुलिस और राजस्व के मामलों से जुड़ी शिकायतों को अधिकारियों को इस निर्देश के साथ सौंपा कि समय से गुणवत्तापूर्ण समाधान करा दिया जाए। न्यूज लाइन भारत के लिए संवाददाता विनोद पासवान की रिपोर्ट। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज नाइन भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।